तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए। जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू textbook.com। तो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने टीचर्स की पोस्ट ली, अलग अलग टीचर्स की पोस्ट ली, एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दिए, सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ जाए, फिर हम इस वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और जब तक आप लोग सेशन को शेयर कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्स्टबुक पास आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि इस एक पास के साथ आप घर बैठे 510 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको मिलते हैं 37,000 सारा मॉक टेस्ट। और अभी देखिए आपकी चल रही है फ्लैश सेल 24 घंटे के लिए, यानी आपको ईयरली टेक्स्टबुक पास जो है वो मिल रहा है सिर्फ ₹399 में। और इतना ही नहीं, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड CMPASS यूज करेंगे। इस पास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करते ही पास का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए आपका 7 दिन का पास है 249 का, मंथली पास है आपका 299, ईयरली 399 और लाइफ टाइम है 599 का। नीचे का ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन, अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया है, कूपन कोड डालिए CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CMPASS कूपन कोड डालते ही आपका डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाएगा। 225 का 7 दिन का पास हो गया है, मंथली 270, ईयरली 360, लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए CMPASS 10% के डिस्काउंट लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो रिलीज हुआ है। सबसे पहले देखिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा, फिर हम जानेंगे वैकेंसीज का नंबर, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, सैलरी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद हम चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.aees.gov.in। इस वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टोटल वैकेंसीज आपकी 205 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 23 मई 2022 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, 12 जून 2022 तक चलने वाले हैं। 23 मई से 12 जून तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एज लिमिट अलग अलग रखी गई है, कुछ पोस्टों में 30, कुछ में 35, कुछ में 40 साल जो एज लिमिट है वो रखी गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हर पोस्ट लिए अलग अलग है, जो कि हम नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सैलरी नहीं दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? आपका जो सिलेक्शन है वो आपका देखिए CBT और स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है। अब हम देखिए डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन पर और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये है नोटिफिकेशन, देखिए एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने रिलीज किया है यहाँ पर। ये देखिए एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। अब ये देखिए आपकी पोस्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये पोस्ट दी हुई है। तो PGT में देखिए इंग्लिश की 2 वैकेंसी है, हिंदी की 1, मैथमेटिक्स की 4, फिजिक्स की 1, केमिस्ट्री की 1, कंप्यूटर साइंस की 4 और बायोलॉजी की 2। TGT में इंग्लिश की 11, सोशल साइंस की 14, हिंदी संस्कृत की 10, मैथ फिजिक्स की 21, केमिस्ट्री बायोलॉजी की 7, कंप्यूटर साइंस की 10, PET मेल की 9, PET फीमेल की 7, आर्ट की 7, मराठी की 5। लाइब्रेरियन में 8 वैकेंसी है, PRT में 70 वैकेंसी है, PRT म्यूजिक में 5 और प्रेप में 6 वैकेंसी। टोटल यहाँ पर 205 वैकेंसी है, जिसमें SC कैटेगरी की 21, ST की 14, OBC की 51, EWS की 13 और जनरल की 106 वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी का नंबर हो गया। PGT TGT आपको पता ही है, PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं, TGT यानी आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, PRT यानी प्राइमरी टीचर, प्रेप यानी प्रिपरेटरी टीचर, ये सारी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। अब देखिए PGT इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चाहिए। मास्टर डिग्री आपके 50% नंबरों के साथ या उसके समकक्ष आपके पास कुछ होना चाहिए और BEd आपके पास होना चाहिए। फिर आपके देखिए PGT में क्या है, कंप्यूटर में अगर आप जा रहे हैं तो MSc आपने किया हो कंप्यूटर में 50% नंबरों के साथ, या फिर आपने BE या BTech या उसके समकक्ष कुछ किया हो,
फिर अगर आप देखिए टीजीटी इंग्लिश में, सोशल साइंस टीजीटी हिंदी संस्कृत, टीजीटी मैथमेटिक्स फिजिक्स, टीजीटी केमिस्ट्री बायोलॉजी या टीजीटी मराठी में जा रहे हैं, तो आपके 3 साल की बैचलर की डिग्री 50% नंबरों के साथ होनी चाहिए और आपने बीएड किया हो और आपने क्वालिफाइंग इन पेपर 2 ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट आपने किया हो, उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरी लाइब्रेरियन पीईटी मेल एंड पीईटी फीमेल एंड टीजीटी आर्ट में क्या चाहिए, देखिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपने बीएससी किया हो 50% नंबरों के साथ या उसके समकक्ष किया हो, लाइब्रेरी में आपने बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में 50% नंबरों के साथ, टीजीटी मेल एंड फीमेल में आपने 3 साल की बैचलर डिग्री ली हो फिजिकल एजुकेशन में 50% नंबरों के साथ, टीजीटी आर्ट में देखिए आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स फाइन आर्ट्स यानी बीएफए या उसके समकक्ष जो है कुछ किया हो 50% नंबरों के साथ। फिर देखिए आपका प्राइमरी टीचर में क्या है, आपने सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष 50% नंबरों के साथ पास किया हो, आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा यानी DELED जो है वो होना चाहिए या उसके समकक्ष आपके पास हो। प्राइमरी टीचर म्यूजिक में क्या मांगा गया है, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है उसके समकक्ष कुछ आपने लिया हो 50% नंबरों के साथ। प्रेपरेटरी टीचर में आपने सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 50% नंबरों के साथ पास किया हो। अपर एज लिमिट क्या है यहाँ पर, पीजीटी पोस्ट के लिए 40 साल, टीजीटी पोस्ट और लाइब्रेरियन के लिए 35 साल और बाकी जो पोस्ट है पीआरटी म्यूजिक प्रेपरेटरी इसमें 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी देखिए, कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया नीड ओनली टू अप्लाई यानी ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। सिलेक्शन कैसे होगा, आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। बाकी रिजर्वेशन वगैरह के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, ये देखिए जो वेबसाइट है aees.gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो है वो मिल जाएगा, यहाँ पर आप अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। आपके लिए देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर लगाने होंगे, फोटोग्राफ लगानी होगी, आपका प्रूफ ऑफ क्लेम रिजर्वेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, गेजेटेड नोटिफिकेशन प्रूफ ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट क्लेम करने के, मार्कशीट आपको लगानी होगी, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगानी होगी, डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लगानी होंगी। हर पोस्ट की यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है, इसको आप नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो डालने होंगे। एप्लीकेशन फीस क्या है, ₹750 जो है वो एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप वुमेन कैंडिडेट या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस जो है वो पे करने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है विद फोटोग्राफ अफेक्सेड ये आपको देना होगा, फोटोग्राफ के साथ जो है प्रिंट आउट आपको देना होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है आपका, देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, आपका जो सीबीटी और स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिक्वायर्ड कैंडिडेट टू सिट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर नॉट अलॉटेड टू देम अगेंस्ट देयर रोल नंबर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पता ही है कैसा होता है, तो उसमें आपको होना होगा, फिर आपको आपका स्किल टेस्ट होगा। ये सारी जानकारी देखिए दी हुई है, 100 आपके जो है देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, टीचिंग मेथोलॉजी, बाकी सारे आपके कंसर्न सब्जेक्ट रहेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पीजीटी में, ना टीजीटी में, ना लाइब्रेरियन में, ना पीआरटी में, ना पीआरटी म्यूजिक में, ना प्रिपरेटरी टीचर में, कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, और सभी जो है वो आपके 100 नंबर के, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड सीबीटी यहाँ पर जानकारी दी हुई है, तो देखिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो है उनको मिनिमम 60% जो है वो सीबीटी में स्कोर करना होगा, और बाकी जैसे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 54% जो है वो आपको स्कोर करना होगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, उसकी जानकारी यहां पर दी हुई है जो कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। और आपके रजिस्ट्रेशन कब होंगे, 23 मई 2022 से लेके 12 जून 2022 तक होने वाले हैं, बाकी आपके सीबीटी वगैरह की जो डेट है वो अभी नहीं आई है, वो आपको कुछ टाइम में मिल जाएगी। ये वेन्यू दिया हुआ है आपका सीबीटी और स्किल टेस्ट के लिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, ये सारी आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है। तो ये थी जानकारी, ये था नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें टोटल 205 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है पीजीटी टीजीटी आपके पीआरटी टीचर्स के लिए। टोटल जो वैकेंसीज है वो है आपकी 205। 23 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और चलने वाले हैं 12 जून तक। आप वेबसाइट जो है aees.gov.in इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ने टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसका नोटिफिकेशन आपको मैंने दिखाया और आप इसको aees.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को हम खत्म करें उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट बुक पास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस एक पास के साथ घर बैठे आप अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। फ्लैश सेल चल रही है 24 आवर्स के लिए, यानी सिर्फ ₹399 में आपको ये टेस्ट बुक पास मिल रहा है, जिसमें आपको 510 मॉक टेस्ट और 510 मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप मेरा कूपन कोड CMPASS यूज करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।